नमस्कार। वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय राजस्थान का पहला ऐसा विश्वविद्यालय जो कि दूरस्थ शिक्षा पर आधारित है। वर्तमान में वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय द्वारा लगभग 120 पाठ्यक्रमों का संचालन किया जा रहा है, जिसमें से लाइब्रेरी साइंस प्रोग्राम्स सबसे प्रमुख है और उसमें भी सबसे प्रमुख कार्यक्रम है जो कि हाल ही में विश्वविद्यालय द्वारा संचालित किया जा रहा है, CPDL प्रोग्राम। CPDL प्रोग्राम के संयोजक प्रोफेसर दिनेश गुप्ता जी आज हमारे साथ हैं। आइए दिनेश गुप्ता जी से हम CPDL प्रोग्राम के बारे में चर्चा करते हैं। दिनेश जी, आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम के अंदर। सबसे पहले हम दिनेश जी यही जानना चाहेंगे कि ये CPDL प्रोग्राम है क्या? सर्टिफिकेट प्रोग्राम ऑन डिजिटल लाइब्रेरी विश्वविद्यालय द्वारा संचालित नया कार्यक्रम है, जिसमें पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान के छात्रों को इस तरह की ट्रेनिंग दी जाएगी, इस तरह की शिक्षा दी जाएगी कि उनको भविष्य में डिजिटल लाइब्रेरी के निर्माण में सहायता मिले। जो भी कुछ हो रहा है वो किसी न किसी मीडिया के द्वारा कैप्चर हो रहा है, वो रिकॉर्ड हो रहा है और आजकल इसको डिजिटल ऑब्जेक्ट की भाषा में देखा जा रहा है। अगर पूर्व के एक्सपीरियंसेस को, पूर्व की इन्फॉर्मेशन को, पूर्व की लर्निंग को भी देखें तो उसको भी इस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं किसी न किसी रूप में उसको डिजिटाइज किया जाए। डिजिटल लाइब्रेरी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, एक ऐसी सुविधा है, एक ऐसा सिस्टम हो सकता है जिसके द्वारा जो भी सूचना, जो भी डिजिटल ऑब्जेक्ट, जो भी कुछ है उसको एकत्रित किया जा सकता है, उसको ऑर्गेनाइज किया जा सकता है, उसको डिसिमिनेट किया जा सकता है, उसको पब्लिश किया जा सकता है, उसको शेयर किया जा सकता है। शायद इसी दिशा में यह हमारा कार्यक्रम कारगर साबित होगा। आपने दिनेश जी CPDL प्रोग्राम के बारे में बताया और इसकी आवश्यकता क्यों ये भी बताया, लेकिन अब सवाल एक ये आता है कि अगर कोई भी व्यक्ति इस कार्यक्रम को करना चाहता है तो उसके लिए उसकी योग्यता क्या होनी चाहिए? देखिए रेणु जी, इसमें हमने मल्टीपल एंट्री रखी है। या तो कोई विद्यार्थी मास्टर डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस हो या ऐसे लोग जो कि कार्यरत है किसी पुस्तकालय में, अगर वो बैचलर डिग्री भी रखते हैं और साथ में 3 वर्ष का अनुभव रखते हैं तो वो प्रवेश के योग्य है। ये कार्यक्रम 6 माह का है और इसकी फीस हमने बहुत ही नॉमिनल 4,000 रुपये रखी है। इस कार्यक्रम के जो प्रमुख कंपोनेंट हैं वो क्या हैं? इस कार्यक्रम के 3 कंपोनेंट हैं। पहला कंपोनेंट है इंट्रोडक्शन टू डिजिटल लाइब्रेरी, दूसरा कंपोनेंट है मैनेजमेंट ऑफ डिजिटल ऑब्जेक्ट्स, तीसरा कंपोनेंट जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो है डिजाइन एंड डेवलपमेंट ऑफ डिजिटल लाइब्रेरी। अगर कोई छात्र एडमिशन ले लेता है तो उसके बाद जो कंटेंट हैं उनको हम कैसे डिलीवर करेंगे, उन तक कैसे पहुंचाएंगे? रेणु जी, आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। कंटेंट डिलीवरी आज की दुनिया में एकदम बदलती जा रही है और हमारा प्रयास है कि आधुनिकतम जो तरीके हैं उनके द्वारा हम कंटेंट डिलीवरी करें। विश्वविद्यालय द्वारा विकसित ई आचार्य जो कि मूडल प्लेटफॉर्म पर आधारित है, उसके द्वारा हम हमारे जो भी तीनों कोर्सेज हैं उनके बारे में कंटेंट उपलब्ध कराएंगे। लेकिन इससे पहले एक आईमार्क इंटरनेशनल एजेंसी FAO द्वारा डेवलप कंटेंट है जो कि किसी भी विद्यार्थी को जो कि डिजिटल लाइब्रेरी में इंटरेस्टेड है उसको फ्री उपलब्ध है और हमने उसके साथ में इस तरह का रिक्वेस्ट किया था कि वो हमारे विद्यार्थियों को उपलब्ध कराया जाए और उन्होंने हमें वो कंटेंट उपलब्ध कराए हैं जो कि हम हमारे विद्यार्थियों को CD के माध्यम से देते हैं। ये जो कंटेंट है ये न केवल FAO द्वारा बल्कि यूनेस्को, कॉमनवेल्थ ऑफ लर्निंग और 40 से अधिक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ने मिलकर बनाया है। हमने ये इसलिए चयन किया है इस कंटेंट का क्योंकि डिजिटल लाइब्रेरी एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि वर्ल्ड ओवर एक जैसा है, उसको लोकलाइज किया नहीं जा सकता। तो जो बेस्ट कंटेंट अवेलेबल है उसको हम हमारे विद्यार्थियों द्वारा भेज रहे हैं, जो हम मूडल पर ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध करा रहे हैं उसमें हम OER मोड का प्रयोग कर रहे हैं। OER मोड का आशय यह है कि जो भी लर्निंग मटेरियल बेस्ट ऑफ द बेस्ट अवेलेबल है उसको हम स्टडी कर हमारे प्लेटफॉर्म पर उसको इंटीग्रेट कर उसको उपलब्ध करा रहे हैं। न केवल जो उपलब्ध है उसको हम उपलब्ध करा रहे हैं बल्कि हम खुद भी OER क्रिएट कर रहे हैं जिससे कि जो हमारा OER उपलब्ध होगा उसको कोई दूसरा यूज कर सके। तीसरा कंपोनेंट इसका इम्पोर्टेंट ये है कि हम न केवल कंटेंट बल्कि उस विद्यार्थी को कुछ
ट्रेनिंग का अनुभव भी देंगे। दिनेश जी, आपने प्रैक्टिकल ट्रेनिंग की बात की थी, तो ये जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है उसे आप कैसे आयोजित करेंगे और ये कहाँ पर की जाएगी? रेनू जी, ये जो ट्रेनिंग की बात है ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट और अहम मुद्दा है। हम जो हमारे देश की सर्वोच्च संस्था है इस क्षेत्र में, उसके माध्यम से हमारे विद्यार्थियों को ट्रेनिंग दिलाना चाहेंगे। हमारे देश में निस्केयर, जो कि CSIR गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक एजेंसी है, वो अनेकों वर्षों से डिजिटल लाइब्रेरी के क्षेत्र में ट्रेनिंग दे रही है। जहाँ तक मेरी जानकारी है, निस्केयर ने 50 से अधिक इस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए हैं। निस्केयर के साथ हमारा इस तरह का अरेंजमेंट है कि निस्केयर कोटा में, जयपुर में, दिल्ली में और अन्यत्र जहाँ भी अधिक विद्यार्थी होंगे वहाँ जाकर हम ट्रेनिंग आयोजित करेंगे। साथ ही ट्रेनिंग के लिए जो पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट मिलेगा वो निस्केयर द्वारा आयोजित दिया जाएगा, न कि VMOE द्वारा। इसका मैं आपको एक विद्यार्थियों को के पॉइंट ऑफ व्यू से बेनिफिट बताता हूँ। निस्केयर जो अभी ट्रेनिंग दे रहा है उसमें केवल पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट देता है। निस्केयर जो वर्तमान में 4,000 रुपये फीस ले रहा है इस तरह के ट्रेनिंग प्रोग्राम की, जबकि हमारे पूरे प्रोग्राम की फीस भी 4,000 ही है। अगर विद्यार्थी किसी कारण से इस कार्यक्रम को पूरा नहीं कर पाता या परीक्षा नहीं दे पाता, तब भी कम से कम वो निस्केयर का सर्टिफिकेट उसको मिलता है, जो कि अदरवाइज उसको दिल्ली में जाने पर 4,000 रुपये में ही मिलता। अभी तक जिन छात्रों ने इस कार्यक्रम में एडमिशन लिया है, जिन्होंने इस कार्यक्रम को कर लिया है, उनको क्या क्या बेनिफिट्स मिले हैं? देखिए रेनू जी, ये तो बेनिफिट का बताना तो बड़ा मुश्किल है, लेकिन शायद अच्छा हो उन्हीं के मुँह से आप सुने। प्रेजेंटली मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में एज ए लाइब्रेरियन वर्क कर रहा हूँ, और जो एंड यूजर्स हैं वो उनकी डिमांड है वो चेंज हो रही है डे बाई डे। लाइब्रेरीज कोई आना पसंद नहीं करता, क्योंकि ऑल थिंग्स आर अवेलेबल इन डिजिटल फॉर्म। ट्रेनिंग प्रोग्राम के थ्रू हम जो आज की न्यू टेक्नोलॉजीज हैं उनको अडॉप्ट कर सकते हैं। जो हमारे यूजर्स हैं वो आज एक नए एनवायरनमेंट में टीच लर्न करना चाहते हैं, और उन टेक्नोलॉजीज का यूज हम ओपन सोर्स के थ्रू और इस डिजिटल लाइब्रेरी प्रोग्राम के थ्रू बड़े अच्छे से उनकी अंत जो आवश्यकताएं हैं उसको पूर्णतः कंप्लीट कर सकते हैं। VMOU जो हमें अपॉर्चुनिटी देता है, एक लेडीज़ को बाहर जाने की परमिशन नहीं दी जाती है, तो ओपन जो एजुकेशन है उसके थ्रू आज हम CPDL प्रोग्राम जो नया शुरू किया गया है इस वर्ष से 2014 से, उसकी हम फर्स्ट स्टूडेंट बैच यहाँ पर है, और दिल्ली नेस्केयर कोलेबोरेशन से हमें टीच करने के लिए उन्होंने हमें बहुत ही अच्छे फीचर्स इनके बताए हैं, बहुत अच्छे माध्यम से हमें समझाया है ओपन सोर्स को, किस तरह से हम कंप्यूटर में ले सकते हैं अपने खुद के पर्सनल में, और हम अपनी संस्था को किस तरह से लाभ दे सकते हैं। हमारी लाइब्रेरीज जो पुराने ढर्रे पर चल रही हैं उनको किस तरह से हम ऑपरेट कर सकते हैं, नए एनवायरनमेंट में ला सकते हैं, किस तरह विद्यार्थियों की जो आज के नई जनरेशन है, जो CBSE के हैं, इंग्लिश माध्यम के विद्यार्थी सब लोग नेट पर जाते हैं, सर्च करते हैं, तो उसके लिए हम अपना खुद का किस तरह से एक डिजिटल लाइब्रेरी डेवलप करके हम उनकी जो उसकी क्वेस्ट है किस तरह से हम उसे फुलफिल कर सकते हैं। हमें CPDL डिजिटल लाइब्रेरीज, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, GSDL, DSpace, किसी को इसके बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं था, और हम सभी कहीं ना कहीं किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं। हम कैसे काम कर रहे हैं, मैनुअल कर रहे हैं, या फिर सॉफ्टवेयर्स क्या होते हैं, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर्स क्या होते हैं, लैंग्वेजेस क्या होती है, IT में आजकल लाइब्रेरीज का कितना यूज़ हो गया है IT का, वो हमें किसी को इतना नॉलेज नहीं था। 7 days में हम लोगों ने इतना सीखा है, और हमें पता चला है कि लाइब्रेरीज का जो आउटपुट्स क्या रह गया है और लाइब्रेरीज किस स्टेज पे जा चुकी है। राजस्थान में किसी भी डिजिटलाइजेशन का इन्वायरमेंट आज तक ना तो हुआ है, और कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स है तो उस वजह से बच्चे कुछ ज़्यादा नहीं सीख पाते, ना हम भी पत्राचार से और पढ़ाई की हुई है तो इतना नॉलेज नहीं हो पाया था, लेकिन 7 days के कोर्स से जो मोटिवेशन हमें मिला है, और नेक्स्ट टाइम हम चाहेंगे कि जो PG कोर्सेज और UG कोर्सेज जो भी डिप्लोमा के बाद में अगर VMOU कंडक्ट करता है तो आई एम श्योर कि हम सब के सब उसमें पार्टिसिपेंट करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा बेटर सीखने की कोशिश करेंगे। छात्रों, आप CPDL के बारे में और विस्तृत जानकारी अगर चाहते हैं तो हमारे विश्वविद्यालय की जो वेबसाइट है www.vmou.ac.in पर जाकर के और विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।